अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3। इस क्वेश्चन में भी हमने डिवीजन मेथड की मदद से एचसीएफ फाइंड करना है। दो एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पर इन दोनों एक्सप्रेशन की जो डिग्री हमारे पास वो इक्वल है, वो सेम है। सिर्फ और सिर्फ जो फर्क है, जो डिफरेंस है, वो कोएफिशिएंट का है। इधर कोएफिशिएंट हमारे पास 2 है और इधर हमारे पास 1 है। अब अगर हम इसको डिवाइजर लेते हैं और इसको डिवाइडर लेते हैं, तो फिर यहाँ पर इस डिवाइजर से इस 2 को खत्म करना होगा। 2 को खत्म करने के लिए हमें इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। जब भी फ्रैक्शन आएगा तो आप लोगों के पास जो क्वेश्चन होगा वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, मुश्किल बन जाएगा। इसी वजह से हमने इसको डिवाइजर ले लिया और इसको डिवाइडर ले लिया। अब इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में यहाँ पर एक्स पावर 5 मौजूद था, एक्स पावर 4 मौजूद था, लेकिन एक्स पावर 3 और एक्स पावर 2 मौजूद नहीं था। हमने उनको यहाँ पर शामिल कर दिया एज अ जीरो कोएफिशिएंट, ताकि अगर हमारे पास एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर वाला एक टर्म आए तो हम उसको उसी के नीचे लिख सकें। अब हमने इस डिवाइजर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाए। तो इट्स वेरी क्लियर, आसान है। हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब 2 इस फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2x पावर 5। जब x पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2x पावर 4। जब -3x³ से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -6x³, और जब -3x² से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -6x². साइन यहां पर हो जाएंगे चेंज, फर्स्ट टर्म हो गया कैंसिल, -4 -2 से आ जाएगा -6x पावर 4। इधर हमारे पास आ जाएगा +6x³, इधर आ जाएगा 6x², और ये -6x अपनी जगह पे आ जाएगा। अब हम यहां से -6 को कॉमन कर लेते हैं तो ये x पावर 4 रह जाएगा, ये -x³, ये -x² और ये +x रह जाएगा। माइनस भी साथ कॉमन कर लिया, तो माइनस कॉमन करने से आप लोग के पास जो साइन प्लस होगा वो माइनस बन जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस बन जाएगा। अब हम यहां से इग्नोर कर देते हैं -6 को, इग्नोरिंग -6। अब अगले स्टेप में आप लोगों के पास x पावर 4 -x³ -x² + x जो होगा ये बन जाएगा डिवाइजर। सो x पावर 4 -x³ -x² + x, और यहां पर जो डिवाइजर था वो बन जाएगा डिवाइडेड, x पावर 5 + x पावर 4 -3x³ -3x². अब हम इस डिवाइजर को एक ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे कि फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाए। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं x के साथ। x जब मल्टीप्लाई होगा x पावर 4 के साथ तो ये बन जाएगा x पावर 5। x मल्टीप्लाई करेंगे -x³ के साथ तो ये बन जाएगा -x पावर 4। -x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा -x³, और x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा x². अब यहां पर आप लोग देख सकते हो साइन हो जाएंगे चेंज, फर्स्ट टर्म हो गया कैंसिल, इधर भी कोएफिशिएंट 1 और इधर भी कोएफिशिएंट 1, तो 1 + 1 ये बन जाएगा 2x पावर 4, ये -3 और ये +1, तो इधर आ जाएगा -2x³, और यहाँ पर -3 और यहाँ पर -1, तो ये बन जाएगा -4x². अब देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है तो हम यहाँ से 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो इधर रह जाएगा x पावर 4 -x³ एंड -2x², और इग्नोर कर लेते हैं, इग्नोरिंग 2।
टू को हमने यहां से इग्नोर कर दिया, तो अब यहां पर आप लोगों के पास ये जो टर्म होगा अगले स्टेप में ये बन जाएगा डिवाइजर। सो मूव कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक्स पावर फोर माइनस एक्स क्यूब एंड माइनस टू एक्स स्क्वेयर। अब यहां पर आप लोगों ने देखना है कि ये आप लोग के पास डिवाइजर था, तो ये बन जाएगा आप लोग के पास डिवाइडेंड, क्योंकि एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड में जो डिवाइजर होता है वो डिवाइडेंड बन जाता है और जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर बनेगा। आप लोग के पास रिमाइंडर डिवाइजर बनता है और डिवाइजर डिवाइडेंड बनता है, तो ये बन जाएगा एक्स पावर फोर माइनस एक्स क्यूब एक्स पावर फोर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर एंड प्लस एक्स। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है एक ऐसे टर्म के साथ कि ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाए, तो ये भी एक्स पावर फोर ये भी एक्स पावर फोर, तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स पावर फोर माइनस एक्स क्यूब एंड माइनस टू एक्स स्क्वेयर। साइन हो जाएगा चेंज, फर्स्ट टर्म ये भी कैंसिल होगा, ये माइनस और प्लस ये भी कैंसिल हो गया, इधर प्लस टू और इधर माइनस वन, टू से वन हटाएंगे तो हमारे पास वन ही बचेगा, वन को लिखवाने की जरूरत, कोएफिशिएंट वन हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इधर रह जाएगा एक्स स्क्वेयर और एक्स अपनी जगह पे आ जाएगा। अब अगले स्टेप में ये तो रिमाइंडर आ गया, तो अगले स्टेप में आप लोग के पास जो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स है ये डिवाइजर बन जाएगा और ये डिवाइडेड माइनस टू एक्स स्क्वेयर। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे टर्म के साथ कि एक्स पावर फोर खत्म हो जाए कैंसिल हो जाए, तो एक्स स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर के साथ, तो एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वेयर एक्स पावर फोर आ जाएगा, और जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स पावर थ्री। साइन हो जाएगा चेंज, फर्स्ट टर्म हो गया कैंसिल, इधर भी कोएफिशिएंट वन और इधर भी कोएफिशिएंट वन है, तो आप लोगों के पास जब माइनस वन और माइनस वन आपस में ऐड होगा तो ये बन जाएगा माइनस टू एक्स क्यूब और माइनस टू एक्स स्क्वेयर अपनी जगह पे आ जाएगा। अब हम यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं माइनस टू एक्स के साथ, जब माइनस टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस टू तो आ जाएगा, और एक्स के साथ जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब, इसी तरह ये प्लस और माइनस बन जाएगा माइनस टू आ जाएगा और एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स बन जाएगा एक्स स्क्वायर। साइन हो गया चेंज, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, हमारे पास रिमाइंडर आ गया जीरो। तो जब आप लोगों के पास रिमाइंडर जीरो आ जाता है, रिमाइंडर जीरो आने के बाद आप लोगों के पास जो सबसे आखिर डिवाइजर होता है वही बन जाता है एच सी एफ। इसको ऐसे भी लिखवा सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जब यहां से हम एक्स कॉमन कर लेते हैं। तो आप लोगों ने इस प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू करना होता है जब तक आप लोगों के पास रिमाइंडर जीरो नहीं आता। जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो आप लोगों के पास जो लास्ट डिवाइजर होगा वही आप लोगों के पास बन जाएगा एच सी एफ, और एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप लोग कोशिश करें कि बार बार हल करें। अब यहां पर हमने इसको एज अ एक्स वेरिएबल हल कर लिया, आप लोग के पास वेरिएबल वाई भी आ सकता है, वेरिएबल जेड भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, लेकिन मेथड आप लोगों ने इसी को फॉलो करना है, कोई नया मेथड आप लोगों के पास नहीं है, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है कि आप लोग यहाँ पर डिवीजन मेथड हो और डिवीजन मेथड में आप यहाँ पर कुछ और करो, नो, आप लोगों ने डिवीजन मेथड यही फॉलो करना है। सिर्फ आपके पास अगर क्वेश्चन चेंज आ सकता है, वेरिएबल चेंज आ सकते हैं, तो आप लोगों ने इसी मेथड को फॉलो करना है। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसी क्वेश्चन नंबर थ्री को सीख लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम एलसीएम को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।